सुरेश वड़ाकर, जन्म 7 अगस्त 1944, एक भारतीय पत्रकार है। वे मुख्यतः हिंदी और मराठी फिल्मों में गाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई भोजपुरी, कोंकणी और उड़िया गाने भी गाए हैं। उनका जन्म वर्ष 1944 में कोल्हापुर में हुआ था। फिल्मों में गाने के अलावा वे शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते हैं। वर्ष 2011 में उन्हें श्रेष्ठ पश्व गायक की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। सुरेश वड़ाकर का जन्म 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। उन्हें बचपन से ही गायिका का शौक था। 10 साल की आयु से ही उन्होंने अपने गुरु पंडित जियालाल वसंत से विधिवत संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। सुरेश ने 20 वर्ष की उम्र में एक संगीत प्रतियोगिता सुर सिंगर में भाग लिया, जहां संगीतकार जयदेव और रविंद्र जैन बतौर निर्णायक मौजूद थे। सुरेश की आवाज़ से दोनों निर्णायक में प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें फिल्मों में पश्व गायन के लिए भरोसा दिलाया। रविंद्र जैन ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहली में उनसे पहला फिल्म गीत पुष्टि पाड़े टपुरु टपुरु गवाया था। इसके बाद जयदेव ने उन्हें फिल्म गमन से सीने में चलन गीत गाने का मौका दिया, जिससे उन्हें लोकप्रियता प्राप्त होने लगी। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए 1981 की फिल्म कोदी में चल चमेली बाग में और प्यासा सावन में मेघारे मेघारे नामक गीत लता मंगेशकर के साथ गाया। 1982 की फिल्म प्रेम रोग में उन्होंने मेरी किस्मत में तू नहीं शायद और मैं हूँ प्रेम रोगी गीत गाए। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ उनकी आवाज़ इतनी जमी कि उन्हें ऋषि कपूर की फिल्मों के गीतों के लिए चुना जाने लगा। अगले कुछ वर्ष में सुरेश ने कई बड़े संगीत निर्देशों के लिए गीत गाए। इनमें हाथों की चंद लकीरों का हुजूर इस कदर भी ना गोरों की ना कालों की ए जिंदगी गले लगा ले और लगी आज सावन की जैसे कई गीत शामिल है। उन्होंने आरडी बमन और गुलजर के साथ मिलकर कुछ खैर फिल्मी गीतों की कई अल्बम भी बनाए, लेकिन वे व्यावसायिक दृष्टि कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने लंबे अंतराल के बाद अपनी फिल्म मचिस में उनसे छोड़ आया हम और पंजप्पा चप्पा चक्खा चले जैसे गीत गाए। 2000 के दशक में सूरज ने प्रमुखता विशा भदराज के साथ काम किया। इनमें फिल्म सत्य ओंकार कमीने और हैदर के कुछ गीत प्रमुख है। सुरेश ने हिंदी और मराठी के अलावा कुछ गीत भोजपुरी और कोंकणी भाषाओं में भी गाए हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में शिव पुगण, 2014 में मंत्र संग्रह, 2016 में तुलसी के राम नामक भक्ति एल्बम भी बनाए। सुरेश वड़ाकर का विवाह वर्ष 1988 में पद्मा के साथ हुई थी, जो 101 प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है। उनकी दो बेटियां हैं जिया और अनन्या। उनकी पत्नी पद्मा मुलक केरला से है और व्यवसाय के तौर पर संगीत सिखाती है। उन्होंने भी कुछ गाने गाए हैं।